1984. I hope most of people are not been born by that time when these retirees have joined these organizations. She's joined as a clerk in Delhi Azadpur branch, and on promotion to manager, she went to Indore, and then in CA3, she joined Faridabad as senior complaint auditor in ZI. And then in 2018, on further promotion to Meerut, then Dehradun, then Haridwar, she has been the chief complaint auditor, and finally in IAD. Ma'am has a long association with audit and ending her working journey with audit only. Right, ma'am? उन्हें मेरा एक सफर मुझ में कहीं बाकी सिर्फ उनकी तस्वीरों को देखना ही जब मेरे रोज का दीवानापन था पन्नों पे उभरे शब्दों से मेरा सवाल था मेरे आंखों के कोरों से बेबस जो बन के निकल जाती है मेरे आंखों के कोरों से बेबस बन के जो निकल जाती है वेदना की पराकाष्ठा को देखो जब तुम साथ होते थे जब तुम साथ होते थे न जाने कब मेरे दीवारों की तस्वीरों में तुम आ गए मैं खोजती हूँ तुम्हें अपनी तस्वीरों में तुम्हारा बिना कुछ कहे बलबलिया लग जाना कैसे कहूँ ये सुन मेरी वेदना सीने को फाड़ जाती है पन्नों पे उन्हें सबलों शब्दों से मेरा सवाल था खुशियों पे जब तुम मुस्कुराते थे खुशियों पे जब तुम मुस्कुराते थे जीवन उसी पर मेरा सार्थक होने सा लगता था तुम्हारा ख्याल प्यार और गुस्सा करना ये सब मेरे जीवन का भाव और मेरे जीवन का भाव था धन्यवाद मैम आप सबको सुपर एडमिशन लेके शुभकामनाएं आगे from last 39 years, 2 months and 4 days to be very precise. And believe me, she has spent precisely her entire life, entire adult life working this job. And I know for a fact how much she loved her job, but one thing that I would like to highlight here is that she has been a tremendous, a fantabulous mother. So I love you, Mama. So please bear with me. It might take a few more seconds or minutes. So my point goes like this. Meri mummy, subah sabere jaldi uthna, school ke liye hame ready karna, saath ke liye tasty tiffin pack karna, meri do choti banake us pe ribbon set karna, van aa jaane pe bhaag bhaag ke hame doodh pilana, और दूध छोड़ आने पे मम्मी का ग्लास लेके नीचे भी आ जाना हमें स्कूल बेंच पूरा घर सेट करना और दोपहर के लिए हमारा लंच प्रेप करना खुद ऑफिस के लिए रेडी होना और फिर घड़ी में टाइम देख अपना ही ब्रेकफास्ट सेट करना भाग भाग के 861 नंबर की बस पकड़ना और बस की धक्का मुक्की में जैसे तैसे 10 बजे तक ऑफिस पहुंचना पूरा दिन वहां काम करना और 2:45 होते ही हमें लैंडलाइन से फोन करना दोनों भाई बहन खाना खा लेना और बिल्कुल मजा करना मम्मी का हमें ये समझाना और हमारा मम्मी को एक दूसरे के रिमोट वाली शिकायत कराना जल्दी से काम खत्म कर मम्मी का घर आना और आते ही अपनी चुन्नी उतार सीना किचन में जाना स्कूल का पूरा अपडेट लेना और हमें डांट कर होमवर्क करने लिखाना किचन में हेल्प करने
बाकी सब मैं संभाल लूंगी, कहकर हमें बतलाना। और बचपन से ही फैमिली और करियर दोनों की लाइफ में इक्वल इम्पॉर्टेंस समझाना। अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए मम्मा का ट्यूबरक्लोसिस, कैंसर और कोरोना सबको हार हराना, और हमें कभी भी कोई कमी ना हो इसलिए अपना शहर छोड़, कभी इंदौर, कभी रुड़की, कभी हरिद्वार, तो कभी गुड़गांव आ जाना। 12th के बाद बच्चे क्या कर सकते हैं अपने सारे स्टाफ से पूछना और हमें अच्छे से अच्छे करियर ऑप्शन सजेस्ट करना। कॉलेज के फॉर्म्स, एडमिशंस, फीस से लेकर वार्डरोब, शूज एंड बैग्स, हर चीज में मामा का इनपुट देना। और दिन रात बस मेरे दोनों बच्चे अच्छे से सेटल हो जाएं इसकी दुआ करना। विश्व का हॉस्टल जाना हो या मेरा जॉब के लिए बाहर जाना, हमारे हर मूव पे मम्मी का राज अपॉर्चुनिटी देंगे तभी तो बच्चे आगे बढ़ेंगे, कहकर पापा को मनाना। और फिर एकदम स्ट्रॉन्ग बनके करियर के लिए हम दोनों को घर से बाहर भेजना। हमारे लाइफ पार्टनर सिलेक्ट करते टाइम हर चीज को एनालाइज करना। फिर हमारी शादियों पे मम्मी का सबसे ज्यादा हंसना, मुस्काना, खिलाना। और हमारे बच्चों में वही हमारे बचपन को ढूंढते रह जाना। थैंक यू मम्मा, वर्ल्ड की बेस्ट मामा होने के लिए। थैंक यू मामा, हमारी हर जिद पूरी करने के लिए। थैंक यू मामा, हमें हर बेस्ट से बेस्ट चीज प्रोवाइड करने के लिए। थैंक यू मामा, खुद ही ना होते हुए भी हमारे लिए स्ट्रॉन्ग फेस प्रोटेक्ट करने के लिए। थैंक यू मामा, अपने से ज्यादा और हमेशा पहले हमें रखने के लिए। आई प्रॉमिस हम आपको हमेशा खुश रखने की पूरी कोशिश करेंगे मामा। आई प्रॉमिस हम हर चीज आपसे पूछते और आपको बता के ही करेंगे मामा। आई प्रॉमिस पापा की जगह तो नहीं ले सकते लेकिन पापा का साया बनके हमेशा आपका साथ खड़े होंगे मामा। आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस। Seeing that how graciously you guys have actually addressed or welcomed us, so thank you very much for the warm welcome. I've written few things, not that much artistic, or you can say vocal about things, but yes, I'll try to express myself. There are few lines which I must say right now, so please bear with me for few minutes. Today is the day to cherish as my mom is getting retired from her job. So I've seen her very working very passionately for PNB for years. And in fact, I would like to admit that I'm really jealous from PNB that my mother has actually spent more years with PNB rather than with me. But I guess now is the time to settle this course. Yeah, so now onwards she will be with me and I'll make sure that I have a good time with her now. For me, my mom was always an inspiration, a fighter, a true leader who leads by setting examples by herself. I just want to share one instance with you all which actually changed my perspective of life, how I must see the life. So I just want to share that with you guys. So back in 2008, when my mom was actually fighting with cancer, she was undergoing some chemotherapies at that time. So it was a very tough time for us, for the family, of course for her as well. When people generally lose hope when they are actually going through this painful chemotherapies and all those things. She started this her studies for promotional tests for PNB at that time. So I guess scale one is what it's called, right? So level one, scale one. She started studying for scale one at that time.
So whenever, you know, she gets few days after the chemotherapy, when she sees that she can sit for few hours or few minutes, she started studying for these promotional tests. And one day I actually asked her, why you are always stressing yourself? You know, this is the time you must take rest. She replied, beta, agar main situation mein bhi pad sakti hu, to tum kyun nahi? And we were doing this statement actually shook me. And that was the moment I decided that I didn't want to be like a hustler like my mom was. And from that moment onwards, I always tried that I must have that grit to make sure that the things will fall in line again so that I can be something which she actually, you know, dreams of. So today I really thank, want to thank you, ma'am. Agar aap raasta na dikhate, to shayad main zarur raasta badal jata. So thank you, ma'am, for being a true inspiration around us. You have always shown us that despite the hard times, we will always have to stay calm and focused to achieve our goals. Love you, ma'am. Thank you.
happy good.